जिन्होंने स्वयं को संगीत कला के लिए कुछ इस तरह समर्पित कर दिया कि वे स्वयं शास्त्रीय संगीत हो गईं। उनके गाए गीत, उनके छुए हुए वाद्य ब्रह्मांड की दसों दिशाओं को और प्रत्येक कण को स्वरमय करते रहे। नाद रूपा वे महिलाएं मुझ जैसी अनेक संगीत साधिकाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। शास्त्रीय संगीत की अमूल्य विरासत का प्रचार प्रसार कर रही हैं, उसे प्रचलित कर रही हैं, लोकप्रिय कर रही हैं। कई सारे दुर्लभ वाद्यों को अपनी कड़ी मेहनत से संसार भर में अग्रणीय स्थान दिलाया है। ध्रुपद जो हमारे देश की अत्यंत प्राचीन, अत्यंत समृद्ध आध्यात्मिक सांगीतिक शैली है। हर वर्ष कुछ दुर्गाओं का सम्मान करता है। इस वर्ष हम भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत की दो अत्यंत सुप्रसिद्ध महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, जिन्होंने अपने संतूर वादन से और ध्रुपद गायन से भारत को समस्त संसार में सम्मानित किया है। उन्होंने इस गायकी को, इस वाद्य को संसार भर में प्रचलित किया है। हम सम्मानित कर रहे हैं आदरणीय मधुभट्टा तैलंग जी को, जो ध्रुपद गायन के अत्यंत श्रेष्ठ गायिका है। ध्रुपद के क्षेत्र में जिनका योगदान अभूतपूर्व है। साथ ही हम सम्मानित कर रहे हैं श्रीमती श्रुति अधिकारी जी को, जिन्होंने संतूर को विश्व भर में प्रचारित किया है, जो हम जैसे कई संगीत साधकाओं के लिए प्रेरणा है, उदाहरण है। नमस्कार। आरोही वुमन एम्पावरमेंट ग्रुप वीणा वेणु फाउंडेशन मुंबई द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2018 को मुझे दुर्गा सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसके लिए मैं बहुत बहुत हर्षित हूँ
बहुत हर्ष महसूस कर रही हूँ और वीणा वेणु फाउंडेशन की बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। आने वाले कुछ समय में हम आपसे इनकी मुलाकात करवाएंगे। सभी महिलाओं को महिला दिन की शुभेच्छाएं। हैप्पी वुमेन्स डे।